शॉकिंग सब बिक गया, सलमान माधुरी आमिर सबका सब कुछ बिक गया। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं नीलामी की, उन चीजों की नीलामी की जो इन सुपरस्टार्स ने फिल्मों में इस्तेमाल किया, और किसी की नीलामी फैंस के लिए कर दी गई तो किसी की नीलामी हुई चैरिटी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई ड्रेस या कोई ऐसा सामान फिल्म में यूज होता है जो फेमस हो जाता है, ऐसे में उन चीजों की बोली या नीलामी लगाई जाती है। कई बार फैंस के लिए लगाई जाती है तो कई बार चैरिटी के लिए भी ऐसा किया जाता है। आइए जानते हैं कब कब और किन किन चीजों को नीलाम किया गया और कितने में वो आखिरकार खरीदी गई। आमिर का बैट, आपको जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान ने फिल्म लगान में जिस बैट से खेला था वे 60 लाख में नीलाम हुआ था। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल के लिए यह फंड इकट्ठा किया गया था। सलमान खान का टॉवेल, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए गाने में सलमान खान ने जिस टॉवेल का इस्तेमाल किया था वो 1,42,000 में बिका है। ना शॉकिंग, माधुरी दीक्षित देवदास फिल्म के सुपरहिट गाने मार डाला में माधुरी दीक्षित ने जो ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था उसे बाद में 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया था। देवानंद की 45 ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिन्हें उन्होंने खुद साइन किए थे को 4 लाख में नीलाम किया गया था। प्रियंका चोपड़ा के बूट्स, 2013 में यूनिसेफ के सेव द गर्ल कैंपेन के लिए प्रियंका चोपड़ा ने अपनी क्रिश्चियन लबाउटन हील्स नीलाम की थी जो 2.5 लाख में बिकी थी। जंगली का जैकेट, 2012 में हुई ओशियन सिनेफेन ऑक्शन में आमिर खान ने फिल्म जंगली में एक्टर शमी कपूर द्वारा पहने गए जैकेट को 1 लाख में खरीदा था। शमी कपूर का स्कॉट, 1961 में आई सुपरहिट क्लासिक फिल्म जंगली में शमी कपूर ने एक खास तरह का स्कॉट पहना था जो बाद में 1.56 लाख में नीलाम हुआ था। धक धक की साड़ी, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर स्टार फिल्म बेटी फैंस द्वारा खासी पसंद की गई थी। फिल्म के पॉपुलर गाने धक धक करने लगा में माधुरी ने जो साड़ी पहनी थी वो चैरिटी के लिए 80,000 में बेची गई थी। अक्षय कुमार और सोनाक्षी ने फिल्म जोकर में जो कपड़ पहने उसे एनिमल वेलफेयर के लिए नीलाम किए गए। अंगूठी, 1981 में आई रेखा स्टार फिल्म उमराव जान में फारूक ने फिरोजी पत्थर में गढ़ी चांदी की अंगूठी पहनी थी जो 96,000 रुपए में नीलाम हुई थी।